झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी पश्चिमी विभाग की एक बैठक गुरुवार को कुवाड़ स्थित खेल मैदान में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया। बताया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिले से लेकर प्रखंडों तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इसी के निमित्त पार्टी के पश्चिमी भाग के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू की उपस्थिति में प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया। सर्वसम्मति से पश्चिमी भाग के प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, उपाध्यक्ष चुड़का हंसदा, सचिव लेखो मंडल कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सोरेन को बनाया गया। वहीं सक्रिय सदस्य के रूप में नागेश्वर मंडल, मुस्तकीम अंसारी, मकसूद अंसारी, पागु राय, अर्जुन रवानी, बालमुकुंद राम, गुलजार मास्टर को चुना गया। गिरिडीह 15 पंचायत प्रखंड पश्चिमी का प्रखंड का प्रखंड समिति का पुनर्गठन होना था, जो हमारे जिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह जी आए थे सर्वेक्षक के रूप में, उपाध्यक्ष धनवाज जी आए थे और उपाध्यक्ष पप्पू भी आए थे। आज 15 पंचायत के तमाम पंचायत वगैरह तमाम कार्यकर्ता जुटे थे। आज सर्वसम्मति से मुझे प्रखंड अध्यक्ष का पद मिला है सर्वसम्मति से। मैं तमाम 15 पंचायत के तमाम लोगों को मैं आश्वस्त करूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस उपेक्षा से, जिस उम्मीद से मुझे प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, मैं निश्चित तौर पर मैं आपको प्रयास करूंगा कि प्रखंड के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरूं। और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, जो जन कल्याणकारी योजना, जैसे पेंशन, राशन, कपड़ा का जो जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, मैं पंचायत स्तर पर गांव-गांव तक जाके मैं कार्यकर्ता को साथ लेकर, संगठन के साथ लेकर मैं तमाम लोगों को जन कल्याणकारी सरकार का योजना को पहुंचाऊंगा। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बातों को